इन इंडिया अबाउट 70% ऑफ द पीपल आर लिविंग इन विलेजेस। इंडिया में ज़्यादा लोग क्या करते हैं, विलेजेस में रहते हैं, गांव में रहते हैं 70% लोग। ये लोग क्या करते हैं, यहाँ के जो लोग ज़्यादा पैसा लोन के रूप में लेते हैं, सो अनप्रोडक्टिव थिंग्स के ऊपर, अनप्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ में रखते हैं वो पैसे को ज़्यादा तक के। द बोरोइंग फ्रॉम मनी लेंडर्स के पास से पैसा लेते हैं एट द हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट, ज़्यादा इंटरेस्ट को उनके पास से लोन लेते हैं। एट द कॉस्ट ऑफ देयर एसेट्स एंड गेट द कैचेस इन द एविल क्लचेस, एक ट्रैप में आ जाते हैं कि उस जाल में फंस जाते हैं, कर्जों के एक बोझ में रह जाते हैं वो लोग। अनप्रोडक्टिव थिंग्स के अंदर एक्टिविटीज़ में स्पेंड करते हैं अपना पैसा, जो मनी लेंडर के पास से पैसा लेते हैं। एंड इंक्रीजिंग ईयर बाई ईयर इंटरेस्ट क्या होता है, साल को साल क्या करता है, बढ़ जाता है इंटरेस्ट, एंड मेक्स द रूरल पीपल और इंडिपेंडेंट में रह जाते हैं। सो ये रीजंस क्या होते हैं, क्यों इन लोग ऐसा इंडिपेंडेंस को फेस करना पड़ता है, अपन यहाँ पर देख सकते हैं। मेन कॉज ऑफ द इंडिपेंडेंस ऑफ द फार्मर्स, क्या करते हैं, गरीब लोग रहते हैं, पॉवर्टी, लो लेवल ऑफ सेविंग्स, कम सेविंग्स करते हैं लोग, क्रॉप फेल्यूर्स, उनकी जो फसल है ज़्यादा फेल्यूर्स में रहती है, एंड बोरोइंग फंड्स फ्रॉम मेकिंग द इम्प्रूवमेंट ऑन लैंड्स, क्या करते हैं, बोरो करते हैं मनी को लैंड इम्प्रूवमेंट करने के, बोरोइंग द फंड्स फ्रॉम द अनप्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं, जो बोरोइंग मनी करते हैं वो मनी लाकर भी क्या करते हैं लोग, अनप्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ में खर्च करते हैं, एक्सपेंडिचर करते हैं यहाँ पर। एंड डिपेंड्स ऑन नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस, क्या करते हैं, नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस के ऊपर भी ये लोग डिपेंड रहते हैं। एंड सपोर्ट प्राइस फॉर द क्रॉप, इन लोगों को सपोर्टिंग प्राइस नहीं मिलता है। इंक्रीजिंग कॉस्ट ऑफ कल्टिवेशन, क्या होता है, इंक्रीज़ होता है कॉस्ट ऑफ कल्टिवेशन, फसल उगाने के लिए ज़्यादा खर्चा होता है, इंक्रीजिंग कॉस्ट ऑफ द कल्टिवेशन।